प्रोफेसर रविकांत, आप दयानिधि स्टालिन के इस बयान को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं अश्विनी शाही जी का आज मुरीद हो गया। उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के बारे में जो बात कही वो दिल से कही, और ये हिम्मत सारे भाजपाइयों को करनी चाहिए कि जिससे आप अंदर से इतनी घृणा करते हैं, बाहर से पूछने की जरूरत क्या है। मैं इसीलिए उनका बहुत दिल से सम्मान करता हूं। उस बात की रही बात उदयनिधि स्टालिन की टिप्पणी की, तो जो ज्योतिबा फूले ने कहा था कभी कि जो सहता है वही कहता है, ये उनकी अपनी पीड़ा है। जिस धर्म में वो पैदा हुए वो धर्म हजारों सालों से दलितों और पिछड़ों के साथ अन्याय और शोषण कर रहा है, तो वो क्या करेगा, उस धर्म को पूजेगा? इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था। और जब उन्होंने धर्मांतरण किया है तो जो 22 प्रतिज्ञाएं ली थी वो 22 प्रतिज्ञाएं क्या है, ये अश्विनी जी को पता ही होगा, नहीं होगा तो वो पढ़ने मिल जाएंगी। तो जो भोगता है, जिसने सदियों तक भोगा शारीरिक गुलामी, मानसिक गुलामी, अब आप ये सोचिए कि सदियों तक जिसे शिक्षा से, संपत्ति से, शस्त्र से विमुक्त कर दिया गया, वंचित किया गया, उसे गुलाम बना करके रखा गया, वो आजाद भारत में उस संविधान के जरिए जो उसे अभिव्यक्ति की आजादी मिली है, तो क्या वो उस पीड़ा को भी नहीं कहेगा? और आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी साहब, यहां रोज ही एक बाबा ने आज कहा कि गला काटने वाले को हम 1 करोड़ देंगे। एक बाबा हमारे बगल में सीतापुर में थे, वो मुस्लिम महिलाओं के बलात्कार का आह्वान कर रहे थे। दिल्ली में कितने बाबा थे जो मुसलमानों की नरसंहार की बात कर रहे थे, और अभी तमाम रैलियों में जो लोग आते हैं, कहीं मस्जिद पर चढ़कर के झंडा फहराते हैं, कहीं उनको धमकाते हैं। तो आप हिंदू धर्म बहुत सहिष्णु है अश्विनी जी, फिर भी आपको लग, दरअसल हिंदू धर्म है क्या? बाबा साहब अम्बेडकर एकदम ठीक बात कहते थे कि ये दरअसल अपर क्लास, अपर कास्ट जो माइंडसेट है, जो व्यवस्था है, वो उस पर आधारित है। और जन्मना इस धर्म और सामाजिक व्यवस्था में कुछ लोगों को प्रिविलेज हासिल होता है पहले ही, और उस सांस्कृतिक पूंजी के जरिए वो समाज में हमेशा अपना वर्चस्व कायम रखे होते हैं। जी, धीरे धीरे वो विचारधारा संविधान के समता, न्याय और बंधुत्व, मैं जोर दे रहा हूं बंधुत्व पर, जिस पर बाबा साहब ने जोर दिया था, उस पर वो व्यवस्था आगे बढ़ रही थी। लेकिन इस हिंदुत्व की पॉलिटिक्स ने, जो विशुद्ध रूप से नफरत पर आधारित है, सावरकर ने तो घोषित रूप से 3 दुश्मन बताए थे, लेकिन प्रछन्न रूप से जो उन्हें दुश्मन लगते हैं, जिनको वो गुलाम बनाना चाहते हैं, वो है दलित, पिछड़ा, जो शूद्र और स्त्रियां हैं, उनको दरअसल उन्हें गुलाम बनाना है। इसलिए उनको बाबा साहब के दिए हुए संविधान से बहुत चिढ़ है और आरक्षण से बहुत चिढ़ है। वो दरअसल दलितों और पिछड़ों को इंसान ही नहीं देखना चाहते। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।